हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन एक बिल्कुल एज अ ले मैन आज की डेट में हम देखें, जैसा हम लोग का जीवन है गृहस्थ में, कोई किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, कोई किसी जॉब में इन्वॉल्व है, कोई घर पे है अगर, तो उसको घर के भी बड़े काम होते हैं, घर में काम कोई कम तो होते नहीं है। तो कोई भी अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में इतना सारा सब कुछ करने बैठे तो बावरा ही हो जाएगा लगभग लगभग। बिना बावरा हुए तो इतना सब करना थोड़ा कठिन है। तो घबराने की बात नहीं, मैं आप लोग के लिए चीट कोड वगैरह लेके आया ही हूँ। आप लोग को मैं सहज, मतलब शॉर्टकट जिसको कहते हैं ना, एक्चुअल में शॉर्टकट नहीं है ये, है तो टेक्निकली सब कुछ ठीक है, पर हाँ ये मान सकते हो कि जैसे कहते हैं ना कि एक प्रोसेस होती है जो बिल्कुल परफेक्ट होती है एज पर द स्क्रिप्चर या बाय द बुक्स, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन एक होती है, और एक होती है कि हमारी इम्प्रोवाइज डेफिनेशन। जैसे अगर आपसे कोई पूछा है कि भाई भारत क्या है, तो या तो आप बिल्कुल भारत के संविधान के अनुसार भारत क्या है कि राज्यों का एक गणराज्य है वो बताओगे, तो वो तो बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन हो जाएगी, और नहीं तो आप अपने भावना के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे ये कहोगे कि भारत एक देश है भैया, वहां हम रहते हैं, बहुत बढ़िया देश है। तो हम क्या करेंगे, एकदम परफेक्ट प्रोसेस तो हमने अभी तक सीख लिया है, अब मैं आप लोग को वो प्रोसेस बता रहा हूं जो आप किसी भी मंत्र में आंख बंद करके लगा दीजिएगा, कैसी भी साधना, सिर्फ इसमें एक बात की मैं आपसे, मतलब एक केवियाट है इसका, एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि ये सारी प्रक्रिया गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों पर कभी नहीं चलेगा। ठीक है, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र कौन से होते हैं, जो गुरु मंत्र है यानी जो दीक्षा का मंत्र गुरु का, वो प्लस कोई भी मंत्र अगर दीक्षित मंत्र है, उस दोनों पे ये नहीं चलेगी प्रक्रिया। बाकी किसी भी मंत्र पे, जैसे आप शास्त्र में कोई मंत्र पढ़ते हैं, हमने किसी पुराण में कोई मंत्र पढ़ा, किसी शास्त्र में कोई मंत्र पढ़ा, कोई तकनीक पढ़ी, किसी ब्लॉग में पढ़ी, और उसको अगर हम आजमा के देखना चाहते हैं, तो आप लोग को मैं एक शॉर्ट प्रोसेस बता रहा हूँ जो यहाँ पे मैंने लिखी है, इस प्रोसेस से आप कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होगा कि हमने अगर एक स्टेप मिस कर दिया, दो स्टेप मिस कर दिए, तो हमें मजा नहीं आ रहा। अगर मजा आना होगा, अनुभूति होगी, तो वो ये 5 स्टेप जो मैंने लिखे हैं इनमें आ जाएगी, और नहीं होगी तो आप 500 स्टेप भी कर लो तब भी नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग आजमा के देखिए और फिर बताइएगा मुझे। अब ये प्रोसेस क्या कहता है कि हम लोग चाहे सब कुछ ना भी करें, ये 5 स्टेप मेरे प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, अगर आप लोग को मंत्र में, विज्ञान में रुचि है और इसके चमत्कार से जीवन में कुछ जागृति लाना चाहते हो, तो ये 5 चीजों को ना ऐसे याद करिए, इनको अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में, अपने चेतना में ऐसे बैठा लीजिए कि ये आपके जीवन का एक हिस्सा हो जाए। आह्वान की जो प्रक्रिया है, देखो बहुत महत्वपूर्ण है यार। हम लोग मंत्र जाप भी सही कर लेते हैं, सारा पूजन भी सही कर सकते हैं, हवन के नियम कानून वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, लेकिन ये सब हमारा विफल है अगर हमने आह्वान नहीं किया तो। क्यों? क्योंकि जब तुम इंटरेक्टिंग नहीं कर रहे हो तो तुम कुछ भी करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, कनेक्टिविटी के लिए आह्वान बहुत जरूरी है ना। तो आह्वान की प्रक्रिया जरूर अप्लाई करिए। दिन में 10 बार पूजा करते हैं, दिन में 10 बार ईश्वर को याद करते हैं, 10 बार प्रार्थना करते हैं, 10 बार आह्वान करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वोकेशन बहुत जरूरी है, और इन्वोकेशन के साथ मैंने स्थापना जो है वो एक अलग स्टेप में नहीं लिखा है, क्योंकि ये मान के चलो कि आह्वान करोगे तो बैठाना तो पड़ेगा ना, किसी शक्ति का आह्वान कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो उनको स्थान देना पड़ेगा। तो अब इसके बंधन में मत रहना कि मैं कोई विग्रह में बैठाऊं या यंत्र में ही बैठाऊं या ये कैसे ही करूं, मैं अष्ट दल कमल बनाऊं, कलश बनाऊं, कुछ नहीं। अगर एक फूल मिल जाए, फूल पुष्प, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कोई भी फूल मिल जाए, उसको रखिए सामने, एक स्वच्छ कपड़े का आसन है तो उस पर रखिए, नहीं तो किसी पात्र में, किसी प्लेट वगैरह के ऊपर रखिए, फूल पे आवाहन कर लो। किसी भी देवी देवता को आप फूल पे बैठाओगे तो बुरा नहीं मानेंगे वो। ठीक है, फूल पे स्थापना करिए। बंधन के लिए यहां ध्यान से दीजिए, आवाहन और फूल। अच्छा, आवाहन क्या है वो मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हमने सब गो थ्रू करा है, तो मैं सिर्फ एक एक बार आपको रिमाइंड कराते चल रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि आवाहन क्या है, किसी को डाउट है अगर तो वो रिकॉर्डिंग देख सकता है, ई बुक पढ़ सकता है। बंधन की जहां तक बात है, देखिए वैसे तो आप सबको ये बात पता है कि चाहे वो शरीर बंधन हो, दिग बंधन हो, या आसन का बंधन हो, या आसन की जागृति हो, ये सब हमें रोज रोज नहीं करना होता, एक ही बार सिद्ध करना है, एक बार।
एक बार समय लगा के शरीर रक्षा मंत्र कोई सा भी कर लीजिए, चाहे सुमेरु कर लीजिए, साबर से कर लीजिए, सिद्ध मंत्र से कर लीजिए, किसी भी प्रक्रिया से शरीर रक्षा मंत्र अपना कोई भी या कवच एक बार उसको ऐसा जागृत सिद्ध कर लीजिए कि प्रतिदिन जब हम कोई भी पूजा करें, चाहे मैं कहता हूं मंत्र साधना करो ना करो, आप रोज भी अगर पूजा पाठ कर रहे हो, या जैसे कई लोग का नियम है पूजा पाठ के समय करते हैं, कई लोग का नियम रहता है कि वो, जैसे मैं करता हूं, मैं पर्सनली अपनी लाइफ में बताऊं तो मैं आंख खुलने के बाद पहले कवच पढ़ता हूं, अपना शरीर का रक्षा करता हूं, और सोने के पहले एक बार, ठीक है, ये मेरा रोज का नियम, बाकी फिर अगर कहीं सिचुएशन के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर लेता हूं, बट शरीर का कवच अपना जरूर बना के रखिए, उसको सिद्ध करके चलिए एक बार, और लाइफ में जब कभी मंत्र साधना करिए तो 3 बार ही पढ़ना होता है, 7 बार पढ़ना होता है। शरीर रक्षा कवच या जो कवच होते हैं बहुत ज्यादा बार, ऐसा नहीं कि 1000 बार हमें हर बार करना पड़ेगा, नहीं, एक बार सिद्ध करके उसको कर लो, आसान है, वो किया जा सकता है, बिकॉज दैट विल प्रोटेक्ट यू अगल बगल से। दिशा का बंधन का मंत्र होता है, दिग बंधन एक ही बार बोलना होता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, वज्रदंत्राय महाक्रोधाय 10 दिशो बंद बंद हुम फट स्वाहा, ठीक है, या और भी बहुत सारे मंत्र हैं, आपको जो सटीक लगे आप वो मंत्र करके एक बार बस मंत्र बोलना है, तो दिशा का बंधन का भी प्रक्रिया एक बार करके चलिए। आसन का भी आपको पता है 7 से 9 दिन में आसन का आपका शुद्धि हो जाती, जागृति हो जाती, वैसे तो 7 दिन में हो जाती, लेकिन ज्यादा तो 9 दिन भी कर लो, 9 दिन के अंदर आपका काम 100% डाउन हो जाएगा। ये एक बार आपने करना है तो उसके बाद कुछ नहीं है, आसन बिछाया तो मंत्र बोल दिया, आसन उठाया तो मंत्र बोल दिया, वो भी शाबर तंत्र के हिसाब से। अगर सिद्ध तंत्र के हिसाब से पृथ्वी त्वाद लोका धृता देवी करके जो मंत्र है उसमें सिद्ध तंत्र की प्रक्रिया से करोगे तो सिर्फ बिछाते वक्त एक बार बोलिए, ठीक है, ये तो आसान चीजें हैं, इसमें रोज की माथा पच्ची नहीं है तो ये तो कर ही ले यार, इसमें कोई ना, ये इससे बचोगे तो आलसी हो, फिर अगर इससे बचना चाह रहे हो तो फिर मेरी तरह बन जाओगे, तो मेरी तरह मत बनो, आलसी मत बनो बाबा, ये कर लेना। थर्ड स्टेप जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है संकल्प। अब मैं कहता हूँ भाई विनियोग शिनियोग किसी को हो सकता है संस्कृत ना रीड करते बने, विनियोग लिखे हैं नहीं लिखे हैं, मिले हैं हमें नहीं मिले, इन चक्कर में पढ़ो, अगर ठीक लगता है मंत्र में विनियोग दिया हुआ तो पढ़ लीजिए, आपको प्रोसेस पता है, आप जानते हैं कैसे करना है, आपको उसका साइंस पता है, लेकिन इसके बंधन में मत फंसना, अपनी भाषा में संकल्प करो। संकल्प के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो आप सभी को पता है, अपने भाषा में, कोई इंग्लिश में सहज है तो इंग्लिश में करे, पंजाबी में सहज है पंजाबी में करे, कोई मराठी में सहज है तो मराठी में करे, हिंदी में है तो हिंदी में करे, सिंपली आपका जो संकल्प होता है ना, ये कोई भगवान को आप वादा नहीं कर रहे हो, ये आपका खुद से एक वचन है, ये प्रतिज्ञा है कि मैं ये करूंगा, ईश्वर को साक्षी मान के, मैं अपने इष्ट को साक्षी मान के प्रक्रिया प्रतिज्ञा कर रहा हूं, या मैं वचन कर रहा हूं, ये मंत्र मैं इतने दिनों तक करूंगा और एक दिन में इतनी बार जप करूंगा और इसमें मुझे मार्गदर्शन और सिद्धि मिले, ऐसा बोल के ये वचन हमने जो करना है ना खुद के लिए, तो ये जरूर करिए। ये करने का कारण आपको पता है, मैंने बताया कि संकल्प करने से एक तो साइकोलॉजिकली हमारे पे खुद के लिए बंदे का जो साधक है साधिका उसको रहता है कि मुझे करना है, एक अपने आप को टास्क असाइन करता है इंसान, साइकोलॉजिकली बड़ा डिसिप्लिन हो जाता है उससे, और दूसरा की शक्ति जिसको आप बट बुला रहे हो ना उसको ये बताना बहुत जरूरी कि कितने दिन तक बांधा है उसको, कितने दिनों की साधना है और रोज कितना उसको जगाओगे, कितना उसके मंत्र करोगे, ये बताना आवश्यक है। तो संकल्प करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं मतलब 4 बना देता हूँ, 5 स्टार बना देता हूँ उसको, आप ये समझो सबसे ज्यादा जरूरी मंत्र साधना में मंत्र जाप होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना, सारे प्रोसेस छोड़ दो। अगर मंत्र जाप किसी ने भाव पूर्ण कर लिया, भाव पे मैंने अंडरलाइन मोटी बनाई हुई है, ध्यान से देखिए इसको, भाव भोग का सिद्धांत जो है वो मंत्र जाप में जप के समय ही सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, बाकी समय आपका भाव कैसा भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो बात मैं कह रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अगर आपका भाव सौम्य है, आप मान लीजिए सरस्वती देवी की साधना कर रहे हैं कि मैं IAS बनना चाहता हूं, UPSC की तैयारी कर रहा हूं, हे सरस्वती माता आप मेरा ज्ञान वर्धन करें ताकि मुझे दिमाग में मेरी स्टोरेज कैपेसिटी, मेरी ग्रास्पिंग पावर बढ़े, देखो यार तुम्हारे, ठीक है, तो इसके लिए हमको जब साधना करनी है ना तो हमें बहुत स्वच्छ भाव से, शांत भाव से, संयमित होके, और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि जरा सा भी गुस्सा नहीं, जरा सा भी अग्रेशन नहीं, कोई भी तामसिक तत्व हमारे भीतर नहीं होना चाहिए, इसका खास ध्यान रखना। जब हम मंत्र जाप भी कर रहे हैं, अच्छा, और मंत्र जाप में भाव कितने कितने लेवल पर प्रभावित करते हैं ध्यान सुनना,
आप सात्विक शक्ति का मंत्र कर रहे हो, जरा तसल्ली से शांति से बैठ के करना, भागते भागते मत करना। भागते भागते अगर आप कर रहे हो तो ये मान के चलो कि आपकी बॉडी तामसिक है, क्योंकि ये बॉडी हाईली एक्टिवेटेड अग्रेसिव है। ये लोग करते ना ऐसे मंत्र, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अरे वो अग्रेसिव है। अगर सात्विक रूप में करना है तो ओम नमः शिवाय। और यहां मेरा रेट ऑफ स्पीच या आपकी किस गति से आप मंत्र बोल रहे हो उससे लेना देना नहीं है। आप फास्ट बोलो या स्लो बोलो, ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी बॉडी अभी सात्विक भाव के अंदर चल रही है या राजसिक हो गई, तामसिक हो गई है। बी वेरी माइंडफुल। और भाव कैसे होते हैं वो आपको पता है, तो वो मैं बताऊंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा परेशानी में आ गए, ठीक है, किसी के ऊपर मान लीजिए, भगवान ना करे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि बुरा समय आ ही जाता है कि भाई बहुत ज्यादा पैसों का दबाव आ गया, डेट्स हो गए हैं, कर्जे हो गए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, बड़ी परेशानी है। और मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि ऐसी भयानक कोई ग्रह दशा चल रही है, भयानक कोई प्रॉब्लम आ गई है, और इसमें दुर्गा माता या चामुंडा माता या कोई भी भगवती का स्वरूप है, या जैसे मान लीजिए आप भैरव जी की साधना कर रहे हैं कि ये भगवान कोई कोर्ट केस मेरे पे हो गया और ये इससे बचाओ। अब आप अगर उग्र भाव की साधना कर रहे हैं, जैसे प्रोटेक्शन, रक्षण, ये सब उग्र भाव की साधना होती है, ध्यान रखना, प्रोटेक्शन वगैरह शांति ढंग से नहीं होता। या आप उग्र स्वरूप की शक्ति की साधना कर रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा सात्विक और बिल्कुल ठंडे ठंडे धीरे धीरे बैठ के करोगे तो भी खेल नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। मंत्र जाप का अर्थ यही है, भाव के साथ मंत्र जाप करने का अर्थ ये है कि जिस भाव का मंत्र है, जिस भाव की शक्ति है, जो आपका इंटेंशन है उस साधना में, उसी इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए मंत्र जाप करिए। पैसे के लिए अगर आपके जीवन में कमी है तो विरक्त भाव में होकर साधना करोगे तो जीवन में कभी साधना सफल नहीं होगी। मन में ये विचार रखो कि अरे पैसा क्या, देने वाला मालिक है, देगा देगा, नहीं देगा नहीं देगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं आप लोग को बोलता हूँ कि गिर नारी ध्वजाधारी, दे मर्जी तुम्हारी ना दे मर्जी तुम्हारी, ठीक है। तो अगर ये भाव रख के लक्ष्मी का मंत्र करोगे तो कभी नहीं खिलेगा, क्योंकि ये भाव फकीरों वाला है, ये भाव सिद्धों वाला है, ठीक है। अगर राजसिक भाव की साधना करनी है, कुबेर की साधना करनी है, लक्ष्मी माँ की साधना करनी है, गणपति की साधना कर रही है, चाह रहे हो कि घर में एक बड़ी गाड़ी आ जाए, थोड़ा बंगला बड़ा बन जाए, या घर में थोड़ा मोटी मोटी नोट की गठिया सेविंग्स अकाउंट में रहे, तो फिर मन में वो लालच का भाव जो राजसिकता पैदा करता है वो होनी चाहिए कि हाय हाय हाय, आजा देवी माँ, लक्ष्मी मैया आ जाओ, मेरे घर में ही रहो, माला माल कर दो, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा सात्विक मन में भाव रखोगे, नहीं 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 मेरे को तो ईश्वर ने जन्म दे दिया, मैं साधना कर पा रहा हूँ, यही मेरा महान, मेरा महाभाग्य है, ठीक है, अच्छा भाव है, लेकिन तुम्हारे जो इच्छा है उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, तुम सात्विक भाव रख के राजसिक चीज मांगोगे कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। डज दिस मेक सेंस, समझ में आ रहा है आप लोग को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? बहुत अच्छी तरह से, यस, ठीक है। तो जहां तक मेरी आवाज पहुंचाना चाह रहा हूं वहां तक अगर पहुंच रही है तो ठीक बात है। और लास्ट स्टेप है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि मंत्र जाप अपनी शिद्दत से करिए। अगर आप हवन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी कर सकते हैं तो मैं समझता हूं इस बात को, कोई ऐसा नहीं कि हवन के बिना मंत्र जाप विफल है या फेल है, नहीं ऐसा नहीं है। आप अगर देखो, हवन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करना तब मेरे प्यारे भाई बहनों जब आपको टेक्निक उसकी समझ में आ जाए। दिखावा करने के लिए हवन नहीं करना कि जबरन में कुछ कुछ आग में लकड़ी में आग लगा दी और कुछ कुछ ठेके जा रहे ओम स्वाहा ओम, ये दैट इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपको करना पसंद है, आप जैसे मेरे को करना पसंद है, मेरे को ये सब करना, हवन पूजा पाठ ये सब करना मेरे को शौक, मेरे को अच्छा लगता है। हो सकता है ना कि किसी को इस चीज से कोई बहुत ज्यादा मजा ना आता हो, मेरे को मजा आता, तो मैं मजा आता इसलिए करता हूं। आपको मजा आए आप भी करिए, नहीं आता मजबूरी नहीं है, लोबान जला दो, लोभान या धूनी जिसको कहते हैं ना, ये हवन का ही छोटा भाई है, हवन का ही कजन है, छोटा वाला कजन है लेकिन, ठीक है। तो अगर हवन कोई कर सकता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो लोभान जला लीजिए, धूनी जला लीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो कोई बंधन नहीं है, मन से भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हवन का आपको साइंस पता है ना, तो बस उस साइंस को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना तो कर ही सकते हो। ये प्रभु, मान लो आपने 11 दिन की साधना करी, लास्ट डे आपका है और आप हवन नहीं करना कर पा रहे हैं, समय नहीं है या अपने पास सामग्री नहीं है, तो कुछ नहीं, मंत्र जाप करने के बाद भगवान से प्रार्थना करो अपने इष्ट से कि भगवान जो भी मैंने 11 दिन में प्रक्रिया आपकी करी है, मंत्र साधना करी है, मैंने आपका अनुष्ठान किया है, तो जो कोई भी इसकी ऊर्जा है, इस माहौल में है, मेरे पास जो सामग्री है, जो मेरा भाव है,
ये सभी कुछ मिला के मैं हवन तो कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये सब मैं आपको समर्पित कर रहा हूं मानसिक रूप से, भाव के रूप से, इसे आप स्वीकार करिए, प्रार्थना कर देना, काम बन जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विसर्जन जरूर करा करो, कोई भी साधना करते हो विसर्जन जरूर करिए। मैं कहता हूं आपको इतना तो दिमाग में रहेगा ना कि आखिरी में बस दक्षिण दिशा में हाथ दिखाने, जब आप प्रार्थना भी करो ना भाव का ध्यान रखो। मतलब प्रार्थना मजबूत कैसे बनती, चलो छोटा सा एक टेक्निक बताता हूं, और मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं भक्त शिरोमणि हूं, मुझे सब कुछ पता है कि क्या होता है, लेकिन मेरे अपने जीवन में कुछ चीजें अप्लाई करके देखी और मेरे काम करती है, तो मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ बस, ठीक है? मेरा इंटेंशन समझने की कोशिश करना। सच में परेशान हूं, अगर फालतू की प्रॉब्लम है कि तुम इसी बात पे टेंशन में आ गए हो कि मेरे कार पंचर हो गई है यार, अब कैसे मैनेज करूंगा, है तो मैं उन सब विषयों में नहीं कह रहा हूं। जब आप सच में परेशान है ना लाइफ में, या कुछ चाहते हैं कि हो जाए, जरूरी नहीं कि परेशान इंसान तो ही प्रार्थना करे, हो सकता है कि आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, आप और कुछ चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो उस चीज की जो जरूरत है, प्रार्थना आपकी जरूरत के आधार पे हो रही, नीड्स के लिए आप प्रे कर रहे हो या वॉन्ट्स के लिए कर रहे हो, पहले तो ये पता होना बहुत जरूरी है। वॉन्ट्स के लिए कर रहे हो तो फिर तो सिंपल सी बात है कि भैया राक्षसिक भाव, ठीक है, लक्ष्मी माता वाली बात, दे दे आ जा कर दे माँ, ठीक है, लालची थोड़ा होना पड़ेगा अगर वॉन्ट्स पे जाना है तो। लग्जरी जो शुक्र का क्षेत्र है वो लालच से पैदा होता है, विरक्ति से पैदा नहीं होता, शून्यता से पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आपकी सच में एक जरूरत है कि भाई मेरे परिवार में चार सदस्य हैं, मेरा महीने का खर्चा 1.5 लाख रुपए है, या जो भी जिसका खर्चा मान लो 1 लाख रुपए किसी खर्चा है, और उस बेचारे को नौकरी से निकाल दिया जाए, अब वो व्यक्ति क्या करे, परेशान हो चुका है ना। तो हम क्या करते हैं कि रोज जैसे पूजा पाठ करी, ज्यादातर लोग जैसे मैंने देखा कि क्या करते, या तो कोई पंडित जी ने कोई उपाय बता दिया तो वो फॉलो करने लग जाएंगे, एंड दैट टू एज अ रूटीन, जैसे सुबह उठ के नहा रहे, ब्रश कर रहे, धो रहे, कपड़े पहन रहे, खाना कर रहे, नाश्ता कर रहे, वैसे ही शाम को 7 बज गए या दिन में 10 बज गए, सुबह के 11 बज गए, तो गए पूजा वाले कमरे में, आसन बिछाया, अगरबत्ती आरती लगाई, मंत्र पढ़े, उठ के आ गए, और जैसे ही कमरे से बाहर आकर बोल रहे लाओ चाय पिलाओ, ठीक है। तो वो वैसे करोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने का प्यारे, वो फिर तुम ऊपर वाले पे छोड़ दो, उसकी मर्जी दे देगा तो दे देगा, नहीं तो तुम थैंक यू करते रहो। अगर सच में चाहते कि आपको ये कुछ नॉलेज है और ये बात से कन्विंस्ड हो कि ये भैया ये चीजें काम करती है, ऐसी फेकालाजी के लिए नहीं लिखी है, तो फिर जो तुम्हारी पीड़ा है ना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहन, उस पीड़ा को पहले तो महसूस करो। जब आप अपने गुरु के सामने, अपने आराध्य के सामने बैठे हो ना, तो जरा अपने आप को रिकलेक्ट करो, याद कराओ खुद को, रिमेम्बर, रिमाइंड कराइए खुद को, यार अच्छा खासा परिवार था, अभी मेरे जेब में 1 रुपए नहीं है, महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है, कहां से सैलरी आएगी, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मेरी माँ बीमार है, उसका इलाज कैसे होगा। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहा हूँ, किसी को यहाँ पर मैं जबरन इमोशन ट्रिगर नहीं करता, ये जो भी इसकी बाधा है, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती है चाहे कैसी भी हो, यू फील दैट प्रॉब्लम, और जब वो प्रॉब्लम आपको फील होती है ना, उस फीलिंग के साथ ईश्वर को याद करो और उसी फीलिंग के साथ मानो, बिकॉज देयर यू कैन नॉट गो रॉन्ग। जो भाव तुम्हारा एक्चुअल का है वो उसी भाव से बुलाओगे तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग, वो आपको मजबूती के साथ ये मान के चलना। मेरे पर्सनल के जीवन में तो बहुत ज्यादा फास्ट का भी रिजल्ट मुझे मिला नहीं, लेकिन मतलब मेरे नहीं आया, जिनको मैंने बताया उनकी लाइफ में बहुत मैंने देखा कई बार फास्टेस्ट रिजल्ट आए हैं, कि इधर मंत्र दिया अगले ने करा भी नहीं, देने पे ही काम हो गया, मैंने वो भी देखा है। बट ये मान के चलना कि भाग्य में अगर आपकी कोई चीज लिखी है ना, कि वो 2 महीने बाद मिले, अगर बहुत शिद्दत से भाव के साथ लगा के जोर से बिल्कुल आर्थ पुकार लगाओगे ना, तो वो 2 महीने आपके 2 हफ्ते में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, 2 वीक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये ध्यान रखो। तो शॉर्टन हो जाता है पीरियड, या जो परेशानी होती है वो कहीं ना कहीं हमारी हल हो जाती है। दिस इज हाउ दीज थिंग्स वर्क। साधना के विज्ञान में ये 5 स्टेप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते, ये बात ठीक है कि नहीं है